प्यारे बच्चों, आज फिर हम एक और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स टॉपिक्स पे, मतलब परमाणु चैप्टर पे, जो भी संख्यात्मक प्रश्न महत्वपूर्ण है उन्हें लेके आए हैं। और हमारे पढ़ाने का तरीका क्लासरूम वाला तरीका है। हम क्वेश्चन को आपको डिक्टेट करते हैं, आप नोट करते हैं, फिर आप सॉल्व करते हैं हमारे साथ ही। तो उसी कड़ी में जुड़ते हुए आपको सबसे पहला न्यूमेरिकल नोट कीजिए। एक अल्फा कण वी वोल्ट के विभवांतर से, वी कैपिटल वी वोल्ट के विभवांतर से त्वरित होकर जेड कैपिटल जेड परमाणु क्रमांक वाले नाभिक से टकराता है। यदि कण की नाभिक के निकटतम पहुंचने की दूरी r0 हो, तो r0 = 14.4 z / v एंगस्ट्रॉम का निगमन कीजिए। ये कई बार बोर्ड के पेपर में आ चुका है, रिपीट हो चुका है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मेरे को यह लगा कि एक अल्फा कण जो है वो किसके पास आ रहा है। एक अल्फा कण आ रहा है किसके पास? नाभिक के पास। ये नाभिक है आपका, ये अल्फा कण है q1 = 2e। ये जो नाभिक है इसका आवेश कितना है? q2 = ze। ये निकटतम दूरी r0 का सूत्र का हमें निगमन करना है, क्योंकि जब अल्फा कण नाभिक के पास आएगा तो प्रतिकर्षण के कारण यहां पे रुक जाएगा नाभिक के पास, और प्रतिकर्षण के कारण वापस लौट जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या, किसकी गणना करेंगे? अल्फा कण की गतिज ऊर्जा। क्या होगी अल्फा कण की गतिज ऊर्जा? q1 v। q कितना है? 2 v। तो e का मान हमारा कितना होता है? 1.6 × 10⁻¹⁹ v, दैट इज 3.2 × 10⁻¹⁹ v। गतिज ऊर्जा आ गया, गतिज ऊर्जा k ही लिखते हैं ना, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी। अब नाभिक के निकटतम पहुंचने की दूरी का सूत्र क्या है? नाभिक के निकटतम पहुंचने की दूरी, इसके सूत्र की व्युत्पत्ति करी थी। अगर किसी ने चैप्टर नहीं देखा है, परमाणु चैप्टर में आप देखिए, 3 वीडियो हैं। पहली वीडियो में ये, दूसरी वीडियो में है ये, 1/4 ε0 q1 q2 / kinetic energy। ठीक साहब, अब 1/4 ε0 का मान क्या होता है आपको पता होगा, आप न्यूमेरिकल करते आ रहे हैं, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो मान रख देते हैं सारे r0, 9 × 10⁹, q1 का मान, यहां पे एक मान और ले लेते हैं q2 किसके बराबर है हमारे पास? ze मतलब z × 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। तो q1 कितना है? 3.2 × 10⁻¹⁹, ये 1.6 × 10⁻¹⁹ q1 है ना, हाँ q1
और नीचे क्या है गतिज ऊर्जा का क्या मान है 3.2 गुणा 10 की घात माइनस 19V। Q1 हमने 2 ही निकाला था ना, यहां पे Q1 का मान हम बता देते हैं। यहां पे Q1 2 ही है, 2 इंटू 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। अब क्या बचा हमारे पास आर नोट, 9 गुणा 1.6, 3.2 से 3.2 कट गया, 10 की घात माइनस से 10 घात माइनस 19 कट गया, बचा कितना 10 की घात माइनस 10 जेड अपॉन वी। आर नोट गुणा करी 9 गुणा 1.6 की गुणा हो जाएगी, ठीक 3.2, नीचे भी 3.2 था, 3.2 से 3.2 कटा तो ये कितना आ गया 6 9 54, 4 9 कम 9 14 14.4, ये एंगस्ट्रॉम 10 की पावर माइनस 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है जेड अपॉन वी। तो आर नॉट कितना हो गया 14.4 जेड एंगस्ट्रॉम बटे वी। तो सूत्र की निष्पत्ति होगी आपकी इंपॉर्टेंट। अब इसी निकटतम दूरी पे दूसरा न्यूमेरिकल हम करने जा रहे हैं। दूसरा न्यूमेरिकल क्या है हमारा, देखो बच्चों मैं क्वेश्चन तो डिक्टेट करता हूं, लास्ट में इन क्वेश्चन को वीडियो के रूप में भी आपको प्रस्तुत करा देता हूं, लास्ट में, शुरुआत में नहीं। देखो बच्चों हमें क्लासरूम जब एक क्लास में पढ़ाते हैं वो वाली फीलिंग देनी है आपको, ऐसे फीलिंग नहीं देनी कि आप कहीं और बैठे हैं। तो क्लास में जब टीचर पढ़ाता है न्यूमेरिकल कराता है तो न्यूमेरिकल डिक्टेट करता है, पहले आप न्यूमेरिकल लिखते हैं तो आपको आधा न्यूमेरिकल दिखते समझ में आ जाता है मुझे करना क्या है, ठीक है। तो इस तरह से हम दूसरा न्यूमेरिकल अब करने जा रहे हैं। दूसरा न्यूमेरिकल है किसी 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसी 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा का, गतिज ऊर्जा का अल्फा कण नाभिक ब्रैकेट में z = 22 ब्रैकेट क्लोज्ड की तरफ प्रक्षेपित किया जाता है, की तरफ प्रक्षेपित किया जाता है, इसकी समीपतम पहुंचने की दूरी की गणना कीजिए। अब प्रश्न 2 में देखिए हमें दे क्या रखा है, हमें गतिज ऊर्जा दे रखी है, कितनी दे रखी है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसे जूल में बदलना जरूरी है। तो 8, एक मेगा में कितना होता है 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8 गुणा 10 की पावर 6, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 जूल। तो ये हो गया 8 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 13 जूल। हमारे पास जो परमाणु क्रमांक है वो 22 है, नाभिक के निकटतम पहुंचने की दूरी, नाभिक के निकटतम पहुंचने की दूरी क्या आ जाएगी आर नॉट 1.4 एप्सिलॉन नॉट 2 जेड स्क्वायर बटे गतिज ऊर्जा, 9 गुणा 10 की घात 9 2 22, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 का स्क्वायर बटे 8 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा, अभी जो सॉल्व करेंगे आर नॉट पहले पूरा खोल लेंगे, 9 गुणा 2 गुणा 22
गुणा 10 की घात 9, 1.6 × 10 की घात −19, 1.6 × 10 की घात −19 बटे 8 ये 13 है, सॉरी गतिज ऊर्जा −13, 8 × 1.6 × 10 की घात −13 साहब 1.6 से 1.6 गया। अब पावर देख लेते, आर नॉट 2 × 8 11 × 2 ठीक। अब आ गए 9 × 11 = 1.6/2 10 की घात −19 − 19 + 9 + 13 तो आर नॉट कितना हो गया अब आपके पास 0.8 9 9 99 हो जाएगा 99 0.8 10 की घात − कितना बचेगा ये −29 13 − −14 देखो मेरे को −38 और ये 22 + 22 = 16 −16 मीटर कितना हो गया −16 मीटर ये 99। तो आर नॉट को जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे कितना आ जाएगा 70 9.2 × 10 की घात −16 मीटर तो यह जाएगा 7.92 × 10 की घात −15 मीटर ठीक है बच्चों। तो इस तरह हमने गणना कर ली। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे आधारित है। किस पे आधारित है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे आधारित है ये वाला क्वेश्चन। देखिए, नोट कीजिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य तथा श्रेणी सीमा की तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की वीडियो आपको इंडिविजुअल में मिल जाएगी और एक परमाणु चैप्टर में भाग 3 में आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की डिटेल में मिल जाएगी। तो आपको जो चाहिए वो उस तरह से आप कर लीजिए, जौन सी आपको सुटेबल लगती हो। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी में क्या होता है? जो तरंग दैर्ध्य का सूत्र होता है ये तो हमारे पास ये होता है 1/(n1)² − 1/(n2)² यहां पे n1 1 होता है और n2 का मान होता है 2, 3, 4, 5 इन्फिनिटी तक। तो इसमें किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो प्रथम अगर हमें क्या ज्ञात करना है, प्रथम रेखा
की तरंग दैर्ध्य, एक रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू लिख दूंगा 1.097 10 की घात 7 प्रति मीटर, तो N1 1 हो जाएगा और N2 2 हो जाएगा। सूत्र में मान रखा 1.097 10 की घात 7 1/1² - 1/2² 1 बाय लैम्डा 1.097 10 की घात 7 1 - 1/4 तो 1 बाय लैम्डा 1.097 10 की घात 7 तो ये आ गया 3/4 तो लैम्डा का मान कितना हो जाएगा 4/1.097 गुणा 3 गुणा 10 की घात 7। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका मान कितना आएगा 1.2 मेरे पास आंसर लिखा हुआ है ठीक है, इसका मान 1.295 गुणा 10 की घात -7 मीटर। अब सेकंड पार्ट, श्रेणी सीमा के लिए, श्रेणी सीमा के लिए हम क्या करेंगे, हमें श्रेणी सीमा निकालनी है तो N1 हमारा 1 होगा और N2 होगा अनंत, ये श्रेणी सीमा होती है। N2 क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो सूत्र क्या हो गया 1 बाय लैम्डा 1.097 10 की घात 7 1/1² - 1/अनंत² तो 1 बाय लैम्डा क्या बचेगा 1.097 10 की घात 7 1 - 0 तो 1 बाय लैम्डा हो गया 1.097 गुणा 10 की घात 7 तो लैम्डा का मान हो गया 1/1.097 गुणा 10 की घात 7 लैम्डा हो गया। सॉल्व करेंगे तो मेरे पास मान लिखा हुआ है बेटा 9.12 गुणा 10 की घात -8 मीटर। मैं सॉल्व करके भी दिखा देता हूं लैम्डा क्या हो जाएगा, 10 की घात 7 ऊपर चला जाएगा 1.097 हो जाएगा -7 10/1.097 10 की घात -8 कर देंगे, इसका डिवीजन ही आ जाएगा तो ये आपका आंसर आ गया। आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं इस चीज के लिए। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। आजकल इस क्वेश्चन का ट्रेंड ज्यादा चल रहा है कि इस तरह का थोड़ा घुमा के क्वेश्चन देते हैं बोर्ड में, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन तो बहुत आ चुके, अब वो देखते हैं कि बच्चे की नॉलेज कैसी है, क्या उस नॉलेज को मेंटेन करवा पा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन देते हैं, डायग्रामेटिकली दे देते हैं ये, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने इस चैप्टर में जो 4 न्यूमेरिकल्स कराए हैं चारों इंपॉर्टेंट हैं और ये बोर्ड में आ रखे हैं इस तरह के क्वेश्चन, और मैंने मैक्सिमम फार्मूलों को कवर करने की भी कोशिश करी है आपके। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए जरा, किसी तत्व एक्स के कैपिटल एक्स के एक परमाणु के ऊर्जा स्तर चित्र में दर्शाए गए हैं, चित्र में दर्शाए गए हैं। एक 620 नैनोमीटर, 620 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का फोटॉन उत्सर्जित होता है, यह कौन से संक्रमणों से संबंधित होगा, यह कौन से संक्रमणों से संबंधित होगा, ए कैपिटल ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी या
ई कैपिटल ई क्वेश्चन मार्क। तो मैं आपको चित्र की डायग्राम बना रहा हूं, पहले क्वेश्चन में जो चित्र की डायग्राम है, ये हमारी चित्र की डायग्राम है। जीरो माइनस एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस तीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस दस इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये आपका ई है। आपको ये चीज नजर आ रही होगी, प्रश्न नंबर चार, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो वो फोटॉन के रूप में ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। किसके रूप में? फोटॉन के रूप में ऊर्जा को क्या करता है? उत्सर्जित करता है। तो ये 620 नैनोमीटर का किस ए वाले ऊर्जा स्तर के, बी के लिए है, संक्रमण के लिए, सी के लिए, डी के लिए या ई के लिए, इसकी गणना करेंगे। तो हमारे पास लैम्डा कितना है? पहले 620 नैनोमीटर, ध्यान से समझना बेटा इसको, 620 गुना 10 की घात माइनस 9 मीटर, तो इसे यूं लिख सकता हूं 6200 10 की घात माइनस 10 मीटर, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैं इसको लैम्डा को लिख लूंगा 6200 एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है, कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक सूत्र होता है, लैम्डा इज इक्वल टू 1 2 3 7 5 डेल्टा ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो लैम्डा मिलता है एंगस्ट्रॉम में। हम सूत्र को पलट देंगे, डेल्टा ई 1 2 3 7 5 किसमें? लैम्डा एंगस्ट्रॉम में, ये किसमें मिलेगा? ईवी में। 1 2 3 7 5 6200 ये अप्रोक्सीमेट आ गया, 6 2 12 अप्रोक्सीमेट आ गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, अब मैं डेल्टा ईए निकालूंगा, डेल्टा ईए उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ रहा है, 0 माइनस माइनस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना आ गया? 1 इलेक्ट्रॉन। मैं डेल्टा ईबी निकालूंगा, ईबी 0 से -3 में, तो ईबी कितना हो गया? 0 माइनस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर मैं डेल्टा ईसी निकालूंगा, ईसी कितना है? 0 से -10, 0 माइनस 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेल्टा ईडी, ईडी निकालूंगा -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट +3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी आ गई? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैं डेल्टा ईई निकालूंगा, डेल्टा ई कहां से चलेगा? -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये ऊर्जा इस ऊर्जा से मैच कर रही है, तो मतलब किस संक्रमण को डिनोट कर रहा है? ये डी। किस संक्रमण को डिनोट कर रहा है? ये डी संक्रमण को। प्यारे बच्चों, मेरी कोशिश है कि मैं आपको बहुत साधारण तरीके से, जिन बच्चों को न्यूमेरिकल नहीं भी आते, बहुत अच्छी तरीके से समझाऊं, मेरी कोशिश है ये। और अगर आप मेरी कोशिश कामयाब हो रही है, आपको समझ में आ रहा है, तो बेटा मैं वीडियो को लाइक बनता है ना, और शेयर भी कीजिए उन साथियों के साथ जिनको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, जैसे आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, उनकी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मैंने आपको पूरा क्लासरूम वाला वो दिया है, क्या कहते हैं, फीलिंग कि मैं क्वेश्चन एक टीचर डिक्टेट कर रहा हूं, आप बैठे हैं, आप क्वेश्चन को नोट करें। लास्ट में इस क्वेश्चन की वीडियो भी दूंगा 15 सेकंड के लिए, जो छूट जाएगा आप नोट कर सकते हैं। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह आपको
साधारण सरल तरीके से संख्यात्मक प्रश्न मिलते रहेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलते रहेंगे। जो इस बच्चे ने पहली बार वीडियो देखी है वो देख ले कि पहली इकाई एक से इकाई नौ तक संपूर्ण अध्याय वीडियो के रूप में उपलब्ध है। प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए और अपनी फिजिक्स को स्ट्रांग बनाइए। धन्यवाद।